करगम आप सिख बिहार और किसान को सही दाम दिलाना चाहते हैं, इसमें आपने हमारी मदद की, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आप आए, पसीना दिया अपना, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। हम चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ हो, गरीब लोगों को फायदा दिया जाए, बिजली बिल हाफ हो और किसान को सही दाम पे सब्जी बेचने को मिले। आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोहित जी, नरेंद्र मोदी जी ने आपको 15 लाख रुपए दिया, ये बताओ सर कहाँ जा रहे हो? मिला? आपका नाम क्या है? अजय सिंह जी, बैंक अकाउंट है, देखा उसमें 15 लाख? ठीक से देखा तुमने? पक्का? ऊपर नीचे आगे पीछे देखा सब जगह? नहीं मिला? और रोजगार मिला आपको? मोदी जी ने कहा था देंगे, तो हम चाहते हैं कि पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मोहित का नहीं किया, गरीबन का नहीं किया, 12 उद्योगपतियों का किया। हम चाहते हैं कि हम सब किसान मिलकर, मजदूर मिलकर नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालें और किसान का कर्जा माफ करें और मजदूर की मदद करें। इसलिए हम निकले हैं। आपका नाम क्या है? लोकसभा में
मैं आपकी मांग उठाऊंगा, जब लोकसभा खुलेगी आप अपना टेलीविजन चलाना, उसमें जो आपकी आवाज है, जो आपके दिल की आवाज है, उसको मैं स्वयं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपने पानी की बात की, किसी डिस्ट्रिक्ट में पानी की बात होती है, किसी में फर्टिलाइजर की होती है, किसी में बीज की होती है, किसी में सब की होती है। अब मेरे तकरीबन 1,500 किलोमीटर हो गए, कहीं भी मुझे ये नहीं बताया गया कि किसान खुश है, जनता खुश है। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। हजारों किसानों से बात की मैंने, गरीब लोगों से, आशावाहों से, आंगनवाड़ी की महिलाओं से, मुझे एक खुश व्यक्ति नहीं मिला। 2.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, उन्होंने अलग अलग वायदे किए थे। 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था। आपका क्या नाम है? हाँ, आपका राजकुमार जी, आपके पास बैंक अकाउंट है? उसमें आपने देखा 15 लाख रुपए मिला? ठीक से देखा आपने? देखा नहीं है ना? उसमें आपने देखा अपना मिला? अरे भैया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला है, किसी को तो मिला होगा, एक व्यक्ति तो होगा। 15 पैसे नहीं आए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी हमने पार्लियामेंट में, पता लगाया 1 लाख युवाओं को हिंदुस्तान में रोजगार मिला है। 2 करोड़ को वायदा किया था, 1 लाख को पूरे हिंदुस्तान में मिला। आपका नाम? सचिन कुमार जी, मोदी जी ने आपको रोजगार दिया? बातें करते हैं, दौरा करते हैं। आपने प्रधानमंत्री चुना और आपको सेल्फी लेने वाली मशीन मिल गई। जहां भी जाते हैं भैया लोग सेल्फी लेते हैं, और अगर आप देखेंगे गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मोदी जी की सेल्फी नहीं दिख सकती। ओबामा जी के साथ दिख जाएगी, चीन के राष्ट्रपति के साथ दिख जाएगी, इंग्लैंड के राष्ट्रपति के साथ दिख जाएगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ दिख जाएगी, उनके 6-7 जो अफसर हैं उनके साथ दिख जाएगी, मगर गरीब के साथ कभी नहीं दिखेगी। सही है, गलत है? हमने ये यात्रा देवरिया से दिल्ली 15 दिन पहले शुरू की। इसका लक्ष्य मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया है। हमने 70,000 करोड़ रुपए किसान के माफ किए थे। किसान रैली की दिल्ली में, सब जगह हमने जाके बोला, शीला जी ने बोला, राज बब्बर जी ने बोला, संजय सिंह जी ने बोला, पुनिया जी ने बोला, सबने जाके बोला। कमांडो जी, आप वहां कैसे हो? थोड़ा आगे आओ, आगे आओ। इन्होंने बोला, अलग अलग कांग्रेस के नेताओं ने भाषण दिया, कहा कि देखो हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया है। 1,10,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ किया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो उसके बारे में किसी को बता क्यों नहीं रहे? एक भी भाषण उन्होंने नहीं दिया, पार्लियामेंट में नहीं बोला, अरुण जेटली जी नहीं बोलते, उनका कोई नेता नहीं बोल रहा। हमने पार्लियामेंट में पूछा, उन्होंने कहा हाँ भैया 1,10,000 करोड़ माफ तो किया है पिछले 2 सालों में। तो अगर इतना बड़ा उन्होंने काम किया है तो नरेंद्र मोदी इसके बारे में बोल क्यों नहीं रहे? क्या लगता है? मैं आपको बताता हूं, हमने 70,000 करोड़ रुपए करोड़ों किसानों का माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया है। किनका? हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति,
जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, प्राइवेट हवाई जहाज है, बड़े बड़े घर है, मर्सिडीज गाड़ी है, जो भी वो चाहते हैं उनके पास है। 1,10,000 करोड़ रुपए आपका पैसा, नरेंद्र मोदी जी का नहीं, आपका। उन्होंने 15 लोगों को पकड़ा दिया, इसीलिए वो भाषण नहीं देते इसके बारे में, क्योंकि अगर गलती से भी उन्होंने ऐसे स्टेज पर भाषण दे दिया कि मैंने 15 लोगों का 1,10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, जनता उनको भगा देगी स्टेज से, कहेगी ये आपने कैसा काम किया। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं, अगर आप 15 लोगों का 1,10,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, तो आप हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का भी पैसा माफ कर सकते हो, और आपको ये करना ही पड़ेगा। यात्रा में लाखों किसान बाहर निकले हैं, ऐसी मीटिंग्स में आए हैं, खाद सभा में आए हैं, उन्होंने अपने सुझाव दिए, हमें बताया कि वो चाहते क्या है। 3 चीजें मांगी है और ये इस बस पे हमने लिख दिया है, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और सही दाम दिया जाए किसान को सब्जी के लिए, अनाज के लिए, दाल के लिए। ये मेरी आवाज नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने हमें समर्थन दिया, हम मोदी जी पर दबाव डालेंगे, पूरा दबाव डालेंगे, किसान का दबाव डालेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह काम नहीं किया, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस दिन यूपी में सरकार आए या हिंदुस्तान में सरकार आए कांग्रेस पार्टी की, आप उसके बाद कैलेंडर खोल लेना, 10 दिन गिन लेना, और 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करके आपको दिखा देंगे। आप गर्मी में आए, इसका मैं बहुत आभारी हूं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से जो हमारी महिलाएं आई हैं, और मुझे एक तो हरी साड़ी दिखाई दे रही है, तो आंगनवाड़ी की महिलाओं के बारे में भी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। जहां भी मैं जा रहा हूं, आप मेरे पास आ रहे हो और कह रहे हो कि आपकी मदद मोदी जी नहीं कर रहे, 3 चीजें आप मुझे कह रहे हो। पहला कि पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ना आपके लिए कुछ किया, ना आपसे मिले, ना आपकी बात सुनी। दूसरा, इंदिरा गांधी जी ने आपकी शुरुआत की थी। और तीसरा, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने आपका पैसा बढ़ाया था। मैं स्टेट से आपको कहना चाहता हूं, यात्रा के एकदम बाद जब पार्लियामेंट खुलेगा, लोकसभा में मैं आपकी बात स्वयं उठाऊंगा, आपकी लड़ाई लोकसभा में मैं लड़के दिखाऊंगा। इस यात्रा के 3 लक्ष्य हैं, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और किसान को अनाज के लिए, दाल के लिए सही दाम मिले। 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं, हम चाहते हैं कि वही काम किसान के लिए भी करें। उन्होंने सिर्फ 12 उद्योगपतियों के लिए किया, हम चाहते हैं कि वो किसानों के लिए करें। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने 15 लोगों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया, वो करोड़ों किसानों के लिए भी कर्जा माफ करें। इसलिए हमने ये यात्रा निकाली देवरिया से दिल्ली तक। आप यहाँ आए, आपने इस यात्रा में अपना समर्थन किया, अपनी शक्ति दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो यहाँ पे युवा है जिसको रोजगार नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो यहाँ किसान है जिसे सही दाम मिल रहा है। आपके प्रधानमंत्री के शब्दों का वजन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के शब्दों का वजन नहीं है। हम उन पर दबाव डाल के उनसे ये काम कराएंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हम आपको कर्जा माफ करके 10 दिन के अंदर दिखा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
Thank you for the phone. Oh, your hand. You put up. Thank you. मोना जी थोड़ा पीछे परमेश्वर गुरु गोविंद गुरदाता दयाल बख्शंद Hey, you know,